क्या आप लोग तैयार हैं? आज से और अभी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो क्लास है ना, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस देने वाली क्लास बनने जा रही है। अगले 15 मिनट तक, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, अगले 15 मिनट्स तक मैं वो तमाम बेसिक वर्ड्स के साथ आपको बताऊंगा और आपको खिलाऊंगा, और उन वर्ड्स के साथ अगर जैसे ही आप खेलना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो से हीरो, मतलब बेसिक से एडवांस तक आप कहेंगे मजा आ गया। चलिए क्लास को शुरू करते, जल्दी से आ जाइए क्लास में। इस क्लास जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करके बैठ जाइए। अब जितने भी वर्ड्स मैं आपको बोलने वाला हूं वो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, संदीप सुरर, आई कैन, आई विल, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। चलिए तो आज का पहला वर्ड क्या है? आज का पहला वर्ड है अभी। आज का पहला वर्ड है अभी, मतलब ये जो वर्ड है ना अभी, ये बहुत बेसिक वर्ड है। इस अभी को और या अब को इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। ध्यान सुनेगा, ये जो अभी है, इस अभी को आप अब भी बोलते हैं, अब या अभी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउ। अब आप लोगों का एक गेम ये है, कुछ वो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं जिनके साथ आपको सेंटेंसेस बोलने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ के साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम टीचिंग यू। इस नाउ में ऑलमोस्ट प्रेजेंट की ज्यादा बात होती है, इस नाउ में प्रेजेंट की ज्यादा बात होती है। नाउ माने अब या अभी, मतलब अब मैं सही हूं। नाउ, ठीक है, इसके साथ आई एम फाइन, नाउ आई एम फाइन। आई एम को क्या बोलते हैं? आम। नाउ आई एम फाइन, नाउ आई एम इंटेलिजेंट, नाउ आई एम क्लेवर, नाउ आई एम ऑनेस्ट, नाउ आई एम बिजी, नाउ आई एम हैंडसम, कुछ भी। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस, आप अभी प्रेजेंट में क्या हो, ठीक है, अभी। इसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, नाउ आई एम, नाउ आई एम, नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रहा हूं, नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रहा हूं, नाउ आई एम ईटिंग, क्या कर रहे हो, कौन सी चीजें कर रहे हो, जो 10 चीजें, कोई भी 10 चीजें जो आप कर रहे हो वो बतानी है। नाउ आई एम स्पीकिंग, नाउ आई एम सिंगिंग, नाउ आई एम यूजिंग मोबाइल, नाउ आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, अभी जो कर रहे हैं। तो जो अभी है ना, बहुत कॉमन वर्ड है। मैं चाहता आप लोगों से ये हूं, जो भी वर्ड मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे बताऊंगा, कोशिश आपको करनी है उन वर्ड्स के साथ एटलीस्ट मोर देन 10 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर बोलने हैं। 10 सेंटेंसेस बोलने में आपको टाइम भी दूंगा, आई विल गिव यू टाइम दूंगा। यहां पर 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको नाउ के साथ, आप 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं आपको, आप शॉर्ट सेंटेंसेस, नाउ आई एम फाइन, आई एम स्पीकिंग, नाउ आई एम गुड, नाउ आई एम डांसिंग, 30 सेकेंड्स में आप ऑन स्क्रीन कितना बोल सकते हैं बोलने का प्रयास करें। देखिए, स्पोकन इंग्लिश पूरा का पूरा रिपीटेशन है, स्पोकन इंग्लिश कोई कोर्स नहीं है, स्पोकन इंग्लिश एक प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आप सीखेंगे, राइट? तो हर वर्ड पे मैं ऑलमोस्ट आपको कुछ टाइमिंग दूंगा आपको करना है। चलिए डन, थैंक यू। और मुझे बताना भी कि नाउ पर आपने कितने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कितना आपने बनाया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है आज, टुडे, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप कुछ भी बोलिए, आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप क्या खा रहे हैं, आज आप कहां जा रहे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, टुडे। अब इस टुडे के साथ अगेन आप लोगों को सेंटेंसेस बोलने हैं। टारगेट मैंने कहा आपको 10 सेंटेंसेस का, जैसे टुडे आई एम हैप्पी, टुडे आई एम हैप्पी, टुडे आई एम अपसेट, टुडे आई एम ब्रेव, टुडे आई एम क्रेजी। मतलब आप आज अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं या क्या आप कर रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू बैंक, टुडे आई एम स्लीपिंग, टुडे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, टुडे आई विल गो टू मार्केट, टुडे आई विल गो टू पार्क, टुडे आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो ये जो वर्ड्स है ना, टाइमिंग वाले वर्ड्स हैं, जो कॉमन वर्ड्स दे रहा हूं आपको यूज करने, बोलने मेरे साथ, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, बोलना भी है मेरे साथ आपको। तो टुडे
नेक्स्ट कल, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, मतलब टुमारो अगेन आपको बताना है कि कौन सी 10 चीजें, कौन सी 10 एक्टिविटी आप कल करेंगे। टुमारो आई विल गो टू आगरा, टुमारो आई विल कम टू योर होम, टुमारो आई विल टेक दिस क्लास, टुमारो आई विल मीट धर्मेंद्र सर, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। तो आप कल क्या करेंगे, कमेंट करते रहिए, 10 चीजें आपको कमेंट करके बतानी है कि कल आप क्या करोगे। नेक्स्ट, हमेशा, हमेशा आप क्या करते हो, हमेशा आप क्या करते हो, आपको शुरुआत में यूज करना है आई, आई ऑलवेज, उसके बाद आप एक्शन लगा दीजिए, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूं। आप लोगों से पूछ रहा हूं आप हमेशा क्या करते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड्स आप लोगों को दे रहा हूं, आप हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में आपको मुझे बताना है कि आप हमेशा क्या करते हैं। I always speak in English. I always attend my YouTube session. I always read English newspaper. I always sing. I always help people. I always give you content. I always help my students. इस तरह से। और मुझे comment करके बताना हर बच्चे को कितने कितने sentences बोल रहे हैं। Hello, आपसे बात कर रहा हूं। Like कर दिया ना? Like करके बैठना है, बताना है, बोलना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कभी, समटाइम्स, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, कभी कभी, यह है कभी कभी, कभी कभी, अगेन आई समटाइम्स, आई समटाइम्स, आगे कुछ भी एक्शन लगा दीजिए, आई समटाइम्स गो टू माय होम टाउन, मैं कभी कभी अपने होम टाउन जाता हूं, आई समटाइम्स टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, I sometimes, तो यहां पर जो चीज है वो उसको शुरू में रखना है, I sometimes speak French, I sometimes attend parties, तो आप लोगों से पूछ रहा हूं आप लोग कभी कभी क्या करते हैं मेरे भाई, कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। 30 सेकेंड्स मैंने हमेशा कहा है 30 सेकेंड्स आप लोगों को मिलेंगे, 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं यहां पर, आप बताइए, स्पीकिंग करिए, कमेंट करिए, बताइए कभी कभी आप क्या करते हैं। मैं कभी कभी खेलता हूं, मैं कभी कभी गाता हूं, मैं कभी कभी जंक फूड खाता हूं, मैं कभी कभी दिन में सो जाता हूं, मैं कभी कभी आपको बहुत मिस करता हूं। ठीक है, तो 30 सेकंड्स यहां पर है, कभी कभी आप क्या करते हैं आपको बताना है मुझे, कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, ऑन स्क्रीन आप बोल सकते हैं कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं। चलिए, सो टाइम इज ओवर हियर, आपके सबके कॉमेंट्स में चेक करूंगा, आपको बस बोलते रहना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यह है कि स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, हजारों बच्चों की डिमांड थी संदीप सर स्मार्ट, मतलब एक नया बैच आप दीजिए, तो अब की बार जो बैच है ना वो मैंने स्मार्ट बनाने की कोशिश की है, मतलब ये बहुत ही एडवांस बनाने का काम किया है मैंने आप लोगों के लिए, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, जो कि 12 आने वाली 12 जुलाई से, कौन सी जुलाई से आप लोगों से पूछ रहा हूं, कौन सी जुलाई से, 12 जुलाई से क्लास शुरू हो रही है, दिन के 1 बजे से आप इस बैच को ले सकते हैं। बैच का जो फी है वो है 1099। इस बैच के अंदर मैं बात हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे करूंगा, एडवांस स्ट्रक्चर्स पे करूंगा, बहुत स्पेशल फ्रेजेस पे करूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर मैं इस क्लास को देने वाला हूं। राइट, तो जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर हेजिटेशन है, जिन लोगों के लाइफ में इंग्लिश को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लगता है कि इंग्लिश ने उनकी नाक कटवा दी है, लगता है कि खराब इंग्लिश ने उनका करियर की ग्रोथ रोक दी है, लगता है कि खराब इंग्लिश की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये क्लास आपकी बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने जा रही है, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, और रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये जो नंबर्स चल रहे हैं नंबर्स पे कॉल करके आप अभी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमेशा से, सिंस ऑलवेज, मैं हमेशा से उसके साथ रहता हूं, मैं हमेशा से उसकी मदद करता हूं, आई Since always help him, since always, ये ज्यादा आप यूज करने की जरूरत भी नहीं है, since always, बस that's it. परिवार, ये वर्ड बहुत यूज होता है, मैं आज वो कॉमन वर्ड लेकर आया हूं जो अक्सर लोग हिंदी में बोलते हैं,
मेरे परिवार ये है, मेरा परिवार वो है। तो आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूं, ये वर्ड परिवार को आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। अब अपनी फैमिली के बारे में जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलें। माय फैमिली इज वेरी ब्यूटीफुल, माय फादर हेल्प्स मी, माय मदर इज ग्रेट, माय फैमिली केयर्स फॉर मी, राइट, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। कोई भी आपको 10 सेंटेंस बोलने हैं जिसमें फैमिली वर्ड आना चाहिए। आप लोगों को बता रहा हूं, एक टारगेट दे रहा हूं, कोई भी 10 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं जिसमें फैमिली शब्द आना ही चाहिए, फैमिली शब्द आना ही चाहिए यहां पर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बैठक। बैठक का मतलब होता है मीटिंग। तो बैठक नहीं बोलना, आपको मीटिंग बोलना है। अब मीटिंग को आपको 10 सेंटेंसेस में ऐड करना है। आपको 10 सेंटेंसेस बोलने हैं जिसमें मीटिंग आना चाहिए। इस तरह से दिमाग चलता है। लोग कहते हैं सर आइडियाज नहीं आते। देखिए आइडियाज को देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। आपके दिमाग में आइडियाज के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप को उन वर्ड्स के साथ कनेक्ट करिए। अपने आप को क्या करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए। मैंने कल एक मीटिंग अटेंड की थी, आई अटेंडेड अ मीटिंग यस्टरडे। मैं कल एक मीटिंग में गया था, आई वेंट टू अटेंड अ मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, वो मीटिंग बहुत अच्छी थी, दैट मीटिंग वॉज रियली वेरी ग्रेट। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, देयर वर मेनी पीपल इन दैट मीटिंग। तो आपको कोशिश करनी है कि कोई भी 10 सेंटेंस आप मीटिंग में बोल पाएं। जो भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूं उनको आपको यूज करना है। कर पाएंगे आप यूज? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है समय। समय, अब समय ना बोल के टाइम बोलना है, और इस टाइम को आपको 10 अलग सेंटेंस में यूज करना है। दिस इज गोल्डन टाइम फॉर यू, ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है इस बैच में जुड़ने का। दिस इज गोल्डन टाइम। मेरे पास हजारों आइडियाज हैं दोस्तों, हजारों आइडियाज हैं जिसके माध्यम से मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर सकता हूं। तो आप इस क्लास में मेरे साथ जुड़े और इन हजारों आइडियाज को लेने का काम करें। तो टाइम, तो ये टाइम बहुत आपके लिए अच्छा है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ठीक है, आई ऑलवेज डू माई स्टडी ऑन टाइम, मैं टाइम पर अपनी स्टडी करता हूं। I reached there on time, मैं टाइम पर वहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपको सोचना है जो संदीप सर वर्ड दे रहे हैं उनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग 10 सेंटेंसेस। नेक्स्ट दिन, अब दिन पर आपको 10 सेंटेंस, हर वर्ड पर आपको 10 सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं। इट इज मंडे टूडे, आज मंडे है, मंडे टूडे। ठीक है, डे, आज का दिन बहुत अच्छा है, टूडेज डे इज वेरी ब्यूटिफुल। क्लियर, आज का दिन, वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन था। दैट डे वॉज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर माई लाइफ। दैट डे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। दैट डे वॉज माई हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन था। हर वर्ड पर 10 का टारगेट दिया मैंने आप लोगों को। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश बैच, सीखो स्मार्ट बनो स्मार्ट। मतलब ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, सीखो स्मार्ट बनो स्मार्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस, बॉडी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, पब्लिक स्पीकिंग, एडवांस स्ट्रक्चर्स। जो लोग आपको 10,000, 20,000, 50,000 में चीजें दे रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए डीएसएल ने बहुत ज्यादा फी कम कर दी है, और ये फी केवल 1099 है बिफोर द डेट ऑफ 12th जुलाई। 12 जुलाई से पहले इसकी जो फी है वो केवल आप लोगों के लिए 1099 है। सीखो स्मार्ट और बनो स्मार्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है सुबह, मॉर्निंग। अब इस मॉर्निंग के साथ आपको 10 वर्ड कनेक्ट करने हैं, और ये सुबह शब्द ना बोलकर आपको मॉर्निंग बोलना है। इन मॉर्निंग आई ब्रश माय टीथ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इन मॉर्निंग आई रीड न्यूज़पेपर। इन मॉर्निंग आई डू योगा, राइट। इन मॉर्निंग एवरीबॉडी गोज टू पार्क। तो आपको यूज करना है मॉर्निंग वर्ड अलग अलग 10 सेंटेंसेस में। ये टारगेट दिया है, मिनिमम 10 हैं, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं कमेंट करिएगा, मैं चेक करूंगा आप लोगों के कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम। अब इस शाम को अपने साथ कनेक्ट करिए। इन इवनिंग आई गो टू माई इंस्टीट्यूट। इन इवनिंग I watch English news channel. In evening, I read newspaper. In evening, I meet my friends. Right? Target आप लोगों का 10 का है। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। टारगेट पूरे करने और आगे चलना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रात। तो रात को अपने 10 अलग अलग सेंटेंस में जोड़ना है। लास्ट नाइट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम।
लास्ट नाइट आई वॉज एट होम, लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, राइट। तो 10 का टारगेट है वर्ड्स के साथ, आप रिपीट करें मेरे साथ, बोलने का प्रयास करें माय, मेरा। अब मेरा ना बोल के माय, माय के साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं, माय फादर इज अ रियल हीरो फॉर मी, मतलब 10 कोई भी सेंटेंस, माय सिस्टर शी लव्स मी, माय ट्रेनर धर्मेंद्र सर इज वेरी हैंडसम, माय यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग, माय ऑडियंस लव मी। तो माय के साथ इस माय को 10 अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है। दिस इज माय मोबाइल, यू आर माय फ्रेंड। तो माय को अलग अलग तरीके से यूज करिए, जो बेसिक वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, अगले 10 मिनट तक और दूंगा, इन वर्ड्स को अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है तुम, अगेन तुम ना बोलकर आप ना बोलकर यू, तुम बहुत बढ़िया हो, यू आर ग्रेट, यू आर हैंडसम, यू लव मी, यू लुक हैंडसम, यू लुक ब्यूटिफुल, यू ऑलवेज अटेंड दिस क्लास, यू लव मी, यू रीड न्यूज़पेपर, यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, यू ऑबे योर पेरेंट्स, यू आर स्मार्ट, यू आर पॉपुलर, यू आर बिजी, यू आर ऑनेस्ट, यू आर फ्रेंडली, यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। 10 का टारगेट, ऐसे इंग्लिश आती है लिखने से, तो आप बचपन से लिख रहे हो मेरे भाई, बचपन से लिख रहे हो, दुनिया पढ़ा रही है, भाषा पढ़ाई नहीं जाती है, भाषा को एंजॉय करो, डू एंजॉय दिस सेशन, एंजॉय करोगे तभी मजा आएगा। नेक्स्ट, आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से मैं यहां हूं, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, आपकी वजह से मुझे सफलता मिली है, बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग प्रोग्रेस, आपकी वजह से मेरे गोल्स पूरे हुए, बिकॉज ऑफ यू आई कंप्लीटेड माई गोल्स, because of you I bought this mobile, because of you I look smart, because of you I'm everything. तो आपकी वजह से, फिर से मैं आपको बता दूं, डेट लिख लीजिए, आप या आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, आपके फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, जहां भी हो, और आपको लगता है कि इस वीडियो को, इस स्क्रीनशॉट को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं और उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, तो लाना चाहिए, करना चाहिए। मैं लोगों की बहुत मदद करता हूं, आप भी करिए, लोगों को बताइए कि इंग्लिश पढ़ाती तो दुनिया है, लेकिन डीएसएल आप लोगों को खिलाता है। नया बैच आ रहा है स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, जो कि 12 जुलाई दिन के 1 बजे शुरू होगा, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और देख सकते हैं संदीप सर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर आपको क्लास देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास देंगे। नेक्स्ट, सोना, टू स्लीप, मैं दिन में नहीं सोता, आई डू नॉट स्लीप एट नून, मैं रात को सोता हूं, ठीक है, वो अभी सो रही है, नाउ शी स्लीपिंग। आप कुछ भी लीजिए, हर वर्ड पर टारगेट आप लोगों का 10 का है, 10 का दम। नेक्स्ट, जागना, वेक अप, आई वेक अप एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे जागता हूं, माय मदर वेक्स अप एट 4 AM, मेरी मम्मी 4 बजे जागते हैं। तो आपको कमेंट करने हैं, जागने के ऊपर आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट, गाना, सिंग, आई सिंग रियली गुड, माय सिस्टर सिंग्स एवरी डे, आई सेंग अ सॉन्ग इन द पार्टी लास्ट नाइट, आर यू सिंगिंग। तो इस तरह से कोशिश करनी है, जो वर्ड्स हैं उनको 10 अलग अलग सेंटेंस सीखना, लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, आई हैव लर्नड जापनीज, You are learning English. तो कोशिश करनी है, लर्न किसी भी फॉर्म में आप 10 तरीके से यूज कर पाए। नेक्स्ट, पढ़ना, रीड, I read magazines, You read novels, He reads Sanskrit books. तो क्या पढ़ते हैं, कौन कौन क्या क्या पढ़ता है, टारगेट आपका 10 सेंटेंसेस का है, इन वर्ड्स को यूज करना है और इस हिंदी को यूज नहीं करना, राइट। कनेक्ट करिए अपने आप को। लिखना, I always write 1 page. She writes very well. She writes in cursive writing. I wrote a letter to my friend yesterday. He is writing a poem. You always write a story. तो ये जो words हैं, इन target को हमेशा पूरा करना। Listen, I want to listen a story today. मैं एक story को सुनना चाहता हूँ। आपसे बोल रहा हूँ guys, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रहा हूं, ये सुबह शाम तक बोलते हैं, बस आपको 10-10 सेंटेंसेस का टारगेट पूरा करना है, राइट। ज्वाइन आर न्यू स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश बैच,
12 जुलाई दिन के 1 बजे शुरू हो रहा है। नेक्स्ट बोलना, स्पीक। आई ऑलवेज स्पीक टू माई स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, माई फादर स्पीक्स टू मी इन हिंदी, राइट? यू आर स्पीकिंग अ लाइ, शी स्पीक्स ट्रूथ। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, टारगेट आप लोगों का 10 सेंटेंसेस बनाने का, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाने का टारगेट है। सोचना, थिंक। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूं। आई थिंक यू आर स्मार्ट, आई थिंक यू वर्क हार्ड, आई थिंक यू टेक दिस क्लास डेली, आई थिंक योर मदर लव्स यू, आई थिंक योर फैमिली लव्स यू। तो इस थिंक पर अगेन 10 सेंटेंसेस का टारगेट आपको पूरा करना है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड और भी दूंगा आने वाली क्लासेस में। मुझे लगता है 25 वर्ड्स आज के लिए इनफ हैं। इन 25 वर्ड्स पर आप 10 मिनिमम मैंने दिया, मैक्सिमम आप 50, 100 जितना आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करिए। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इट्स नॉट टॉट, इट इज कॉट। मैंने तरीका आपको बताया, इसे पकड़ लो, इसे हाथ से मत जाने दो, पकड़ लो इसे, और जो तरीका इसके साथ खेलो, और डिटेल में मेरे साथ खेलना चाहते हो और बहुत सारी चीजें करना सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इस नए बैच को स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश जो कि 12 तारीख से शुरू होने वाला है, इसे छोड़ना नहीं है आप लोगों को, राइट? इसे छोड़ना नहीं है। स्पोकन, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश, क्या बोलने के लिए तैयार है, बोलना सीखने के लिए? अब 12 जुलाई दिन के 1 बजे 1099, राइट? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके, राइट, मेरी मदद करें ताकि मैं किसी और की मदद कर पाऊं। चलिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएसएल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल करिए। दो मेन नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर मैंने आपको दिए हैं, किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी और नंबर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, अगर आपको बुक चाहिए हमारी, फॉर द बुक्स कॉन्टेक्ट नंबर ये। डीएसएल पर आप धर्मेंद्र सर, संदीप सर से बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं। सो होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई बी बैक विद अमेजिंग लेसन सेशन सून। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।